रहा वो डैम वाला रास्ता जो कि खलगा होके जाएगा ऊपर। ये हमारा ट्रैक गाइड बन चुका है खीर गंगा का। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा ब्लॉगर। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे नदी बह रही है। नदी का फ्लो कितना ही सुंदर लग रहा है, और इस नदी के फ्लो के साथ हम निकल चुके हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ, सुबह के 7 बज रहे हैं, रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालाँकि रेनकोट वगैरह हमने ले लिया है, और साथ में हमारे पास जैकेट वगैरह भी पड़ा है। तो फिलहाल हम अपने हॉस्टल से निकलने जा रहे हैं कसोल की मार्केट, वहाँ से हमें मिलेगी बारशैनी की बस। हम बस का वेट करेंगे, बस नहीं आई तो हम टैक्सी भी देखेंगे। फिलहाल चलिए सीधा हम चलते हैं कसोल के जो है ना बस स्टॉप पे, वहाँ पे बस का वेट करते हैं। बस आ गई तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं कि टैक्सी वगैरह क्या इंतज़ाम है। सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो टेंशन नहीं है। बाकी थोड़ी मोड़ी बारिश हो रही है, तो अभी अगर बस आ गई तो ठीक है, वरना हम बारशैनी जाके तो रेनकोट पहन लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर जो है ना बारिश हो रही हो, और पता नहीं ट्रैक खुला भी है नहीं खुला है, क्योंकि रेनी सीज़न में क्या सिचुएशन है इसका तो कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कसोल के स्क्वायर पे। ये आप देख सकते हैं कि ये कसोल का स्क्वायर है। यहाँ पे बसेस सुबह सुबह आ रही हैं दिल्ली वगैरह से, और यहाँ पे हो रही है बारिश। बारिश जब हम निकले थे तो धीरे थी, पर अभी बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। ये थोड़ा सी प्रॉब्लम है, बाकी देखते हैं आगे की क्या स्थिति रहती है। दोस्तों बस हमारी आ चुकी है, और हम बस में हम बैठ चुके हैं। टाइम बता दूँ 7:40। निशान टिकट कितने के लिए हो? 80 रुपीज़, यानी कि 2% के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन बारशैनी की बस की टिकट मिलेगी आपको। अगर आप मनीकरण से भी कैब लेंगे, यहाँ से लेंगे ना, तो आई एम श्योर कि 1000 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। 800 रुपये था जब मैं 3 साल पहले आया था तब का रेट था, अभी 1000 रुपये हो गया होगा। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है कसोल का प्राइवेट बस स्टैंड, जहाँ पे कि सारी वॉल्वो बसेस की पार्किंग होती है। पहुंच गए हैं बारशैनी। अगर फेयर की बात करो ना, बस में लगे हैं बस 40 रुपये, और ये पीछे बस है। 1 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। 7:40 पे हम चले थे ना कसोल से, अभी लगभग 8:40 हो रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं बारशैनी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टे के लिए रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है यार देखो ऊपर में, बाकी यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच के लिए भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप एक साइड देखिए, तो एक बार चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं। हमने पता किया तो अभी बता रहे हैं कि खलगा वाला ट्रैक थोड़ा अभी डेंजरस है, और आप रुद्रनाग वाले से चले जाइए, वो थोड़ा सेफ़ है इस टाइम पे। और देखते हैं हम कौन सा रास्ते से जाते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। बाकी ट्रैक खुला है ये तो कंफर्म हो गया है, बाकी पीछे हमारे गाइड खड़े हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं। देखते हैं, कुछ सेट हो गया मामला तो गाइड भी हम ले लेंगे, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको गाइड की, कोई ज़्यादा खास ज़रूरत होती नहीं है। फिलहाल चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं इसके बाद। दोस्तों पीछे हमने नाश्ता कर लिया है, इधर आप देख रहे हैं ना साइड में, यहाँ पे आपको जो है ना छोटे मोटे जो है ना ढाबा टाइप के मिल जाएंगे, और यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है ना सारे लकड़ी के बने हुए हैं, सबसे अच्छी बात है। तो मैंने पराठा खाया, एक पराठा आलू पराठा खाया था, एक 50 रुपीज़ का और 30 रुपीज़ की चाय, और बाकी पेट पूजा हो गई है। अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं हम, 9:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, और इधर से आप व्यू देखिए, व्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त है, बादल एकदम पूरे छाए हुए हैं। और हमारा प्लान अभी तक तो यही बन रहा है कि हम डैम क्रॉस करके खलगा वाले रास्ते से जाएंगे ट्रैक पे, हालांकि शायद वो ट्रैक थोड़ा लंबा पड़े, पर इट्स फाइन। ऐसा पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि वो ज़्यादा सेफ़ है, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया वो आंटी बताई कि ज़्यादा सेफ़ आपको खलगा वाले रहेगा, और खलगा वाला ज़्यादा बेस्ट है। तो लेट्स सी, एक बार हम चलते हैं डैम के पास और फिर वहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा वो डैम वाला रास्ता जो कि खलगा होके जाएगा ऊपर ट्रैक, और यहाँ से हमने ये ले लिए हैं ट्रैकिंग शूज़। तो क्योंकि
रेनी सीज़न है और हमारे जो है ना स्पोर्ट्स शूज़ भींग जाते हैं, इसलिए हमने ये ट्रैकिंग शूज़ ले लिए हैं। 100 रुपीज़ इसका रेंट है और बाकी हमने जो अपने शूज़ थे यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं। यहाँ से आप ज़रूरी का सामान, पानी की बोतल अगर ले लें, पानी की बोतल कितने में दी भैया ने? 30 की दी पानी की बोतल भैया ने, जो है ना पानी की बोतल भैया ने यहाँ पे हमें 30 रुपये की दी। और बाकी चीज़ें ऊपर थोड़ी एक्सपेंसिव हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एक स्टिक भी हमने ले ली है, 30 रुपये की स्टिक है। बाकी और चीज़ें हम देखते हैं ऊपर और अब शुरू करते हैं हम ट्रैक दोस्तों। आप और बातें नहीं, बाकी जूते वगैरह अगर आप रेनी सीज़न में आ रहे हैं जूते वगैरह ले लीजिए। अगर आप स्नोई सीज़न में आ रहे हैं यानी कि विंटर सीज़न में आ रहे हैं तो भी आप जूते वगैरह ले लीजिए, जिससे कि आपको आपके स्पोर्ट्स शूज़ भींगे ना और आपको प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना स्टार्ट वे का ऐसा एरो भी बनाया हुआ है और ये रास्ता देखिए यहाँ पे भी एरो बनाया हुआ है। इस रास्ते पे हमें सीधे अभी जाना है इस तरफ, तो अब चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और रास्ते में आपको वे पॉइंट्स दिख जाएंगे यानी कि एरोज बनाए हुए हैं जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, तो आप उन एरो को फॉलो करिए। कन्फ्यूज़न होती है नो डाउट, और मैं आपको बता दूँ कि सामने नीचे आप देख सकते हैं बारशैनी पे बना डैम। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम 7200 फीट यानी कि 7200 फीट से ऑलमोस्ट 9700 फीट पे ट्रैक करने वाले हैं, और जैसा लोकल्स बता रहे हैं कि खिजंगा ट्रैक टोटल 5 से 6 घंटे का होने वाला है। और हम इस टाइम पे निकल गए हैं और इस साइड ऊपर थोड़ा सा ऊपर चल के ही है अब कलगा गांव। अब यहां से हम सीधा मिलेंगे दोस्तों कलगा गांव पे। और आप रास्ता देखिए, बारिश का टाइम है, रास्ता तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, इस चीज़ का केयर रखिएगा आप। इसलिए मैंने जो है ना ट्रैकिंग वाले शूज़ ले लिए हैं, वो गीले नहीं होंगे, बारिश भी पड़ी तो रेनकोट मेरे पास पड़ा है इसमें, और ट्रैकिंग शूज़ ले लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बारिश होगी भी तो हम आराम से ट्रैक करेंगे, हालांकि बारिश हुई फिसलन नहीं तो थोड़े स्लो ट्रैक करेंगे। चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी आप नीचे से ही पानी बॉटल कुछ खाने का थोड़ा मोड़ा सामान ले लें क्योंकि ऊपर खाना ऑब्वियसली महंगा मिलता है, और नीचे से आप ज़रूरत की सामान ले लें। हो सकता है ऊपर आपको ज़्यादा पे करने से अच्छा है कि आप नीचे सामान लेके चढ़ें। बाकी चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम मिलते हैं सीधा कलगा में। सो फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड एट 9:45, 10:15 पे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी 10:15 हो रहे हैं यानी कि आधे घंटे ट्रैक करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कालगा में। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ ज़रूरी सामान लेना चाहते हैं, चाय वगैरह पीना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज़ हैं, आप यहाँ पे जो है ना कुछ अपना नाश्ता वगैरह ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टे के लिए भी है, यहाँ पे स्टे के लिए भी आप स्टे भी कर सकते हैं कालगा में। और ये रास्ता जो है ना रुद्रनाग वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से तो ये वाइडर है, चौड़ा है ये रास्ता, और उस हिसाब से फिसलन वगैरह अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो रास्ता पूरा सेफ दिख रहा है। आगे आगे बारिश हो रही भाई? ऊपर नहीं हो रही ना? हाँ। और ट्रैक इज़ ऑन, आप बने रहिए इस वीडियो में, और जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आएगी मुझे देखेगी, मैं आपके साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करूँगा। ट्रैक कर रहे हैं तो याद रखिए कि ट्रैक करते वक्त आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। ये क्या होगा, इससे आपको आराम मिलता रहेगा और आप उतने जो है ना उतनी आपको थकान महसूस नहीं होगी और आप आराम से जो है ट्रैक कर सकते हैं। हमने इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया था ताकि हम ब्रेक ले लेके चढ़ पाएँ। बाकी पानी की बॉटल तो आप साथ रखिए ही रखें। अभी गर्मी का मौसम होता तो मुझे लगता है कि एक दो पानी की बॉटल ख़त्म हो गई होती, लेकिन चूँकि बरसात का मौसम है, ठंडा मौसम हो रहा है, इसलिए उतनी प्यास नहीं लग रही है। बाकी अब यहाँ से हमने ब्रेक ले लिया कुछ 5-10 मिनट बैठ के, बाकी फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। और लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं हमें चढ़ाई चढ़ते हुए। यहाँ से अभी भी 8 से 9 किलोमीटर की चढ़ाई बचती है, टोटल 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई है, यानी कि हमने 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई अभी तक यानी कि 1.5 घंटे में पूरी कर ली है दोस्तों। दोस्तों लगभग आधा रास्ते हम आ गए, और अगर इस रास्ते की बात की जाए जो वाया कलगा होके आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि रास्ता पे जो है ना
बिल्कुल जंगल है ये रास्ते पे, और जो दूसरा रास्ता हुआ है नकथान रुद्रनाग, उस रास्ते में इतने पेड़ वेड़, इतना जंगल टाइप का सीन नहीं है उस रास्ते में ना, मतलब प्लेन वो रास्ता ज़्यादा है, लेकिन इस रास्ते पे आपको जंगल टाइप का, आप देख सकते होंगे पेड़ वेड़ है, जंगल टाइप का व्यू ज़्यादा है। बाकी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, अब सामने से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, और सामने हमें यहाँ से नकथान विलेज भी साफ विजिबल है, और वो दूर जो आप देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे वो है दोस्तों नकथान विलेज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रास्ते में आपको ऐसे एरोज भी मिल जाएंगे डायरेक्शन बताने के लिए, और ये एरो साफ बोल रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में आगे जाना है। बाकी जब आप दोस्तों लगभग पौने दो घंटे से दो घंटे का ट्रैक कर चुके होंगे, तो रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, रास्ता काफ़ी पतला हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि इस साइड में नीचे सीधी खाई है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि साइड में पत्थर वत्थर का सपोर्ट लेके चलें, और बाकी रुक रुक के चढ़ें, ऐसी कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, और वही सारी चीज़ें कि थोड़ा ध्यान रखें साइड में, अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ी फिसलन है, लेकिन उतनी भी नहीं है, जो हमने ट्रैकिंग शूज़ लिए थे 100 रुपये किराए पर वो वाकई में काम आ रहे हैं दोस्तों, उससे ग्रिप जो है ना पैरों की काफ़ी अच्छी बन रही है, और कुछ ऐसा चल रहा है। आई होप कि आपको ये खीरगंगा का ट्रैक पसंद आ रहा होगा। बाकी जो दुकान वकान की बात की जाए ना, रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स हैं कई जगह, तो आप वहाँ पर पानी वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मिडवे में आपको दुकानें मिल जाएंगी, ये सामने देखिए दुकान, यहाँ पे आपको चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बॉटल, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे ना रास्ते में और भी स्टॉल्स मिलते रहेंगे। और बाकी आप रास्ता देख सकते हैं यार, रास्ता तो यहाँ पर काफ़ी पतला है और थोड़ी फिसलन भरा रास्ता है, पर जो भी है ट्रैक करने में तो मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं टोटल टाइम कितना लगता है। इनके पास ना चेयर्स वगैरह के प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो आप यहाँ पे चेयर पे बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, रूम्स भी अवेलेबल हैं कलगा में, आप कलगा में रुक सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए ना, तो अब यहाँ पे देने के 2 घंटे ट्रैक करते हुए हो गए हमें, अब यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा, लेकिन कलगा में तो 4G चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क भी आ रहा था, पर उसके बाद ना आधे एक घंटे बाद नेटवर्क आना बंद हो गया था। तो अब यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है, और यहाँ से आगे आपको मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट नहीं चलने वाला है, खीरगंगा पे भी नहीं चलता है। बाकी ऊपर जाते देखते हैं, खीरगंगा पे शायद हो सकता है इन्होंने नेटवर्क का कुछ अरेंजमेंट वगैरह किया हो, जैसा होगा वो तो मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और ढेर सारी चीज़ें अभी हम इस ट्रैक में करने वाले हैं। दोस्तों पीछे वाली स्टॉल से यहाँ पर हमने चॉकलेट ली है, मंच 20 रुपये पे MRP है, 45 की दिया, ठीक है यार, और लस्सी है 80 रुपये की। और यहाँ पे ना जीपे का नंबर लगाया हुआ भैया ने, तो मैंने पूछा भैया यहाँ पे जीपे का नंबर लगाया, नेट तो चल नहीं रहा है, तो उन्होंने बताया कि जियो का नेट चलता है यहाँ पे, मतलब एयरटेल, मेरे पास एयरटेल का सिम है वो नहीं चल रहा है, लेकिन जियो का नेट यहाँ पे आता है। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको नेट चलेगा भाई साहब, अगर नहीं है, एयरटेल है, तो नहीं चलने वाला एयरटेल, तो आई एम श्योर, क्योंकि मेरे में भी नेटवर्क ही गायब है, तो इंटरनेट क्या ही चलेगा। और दोस्तों रास्ते में ना ये जो आपको डॉग्स मिल जाते हैं ना ट्रैक पे, ये देखिए ये दोस्त हमारा, मैं अभी एक्चुअली मैं रास्ता थोड़ा सा भटक गया था, और मैं देखा कि जब मैं सही रास्ते पे आ गया ना, तो देखा कि वो ऑलरेडी यहाँ वहाँ पे पहुँचा हुआ था ये डॉग। ओए रुक जा, और ये पता नहीं यार ये समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ ना रुक जा या चल, तो ये बाकी आगे जाके रुक जा रहा है, हमारा वेट कर रहा है, और जब उसके पास पहुँच रहे ना ये, तभी आगे चलना स्टार्ट कर रहा है यार, लिटरली मैं कह सकता हूँ डॉग्स आर दी ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड। ये देखिए हमारा वेट कर रहा है यहाँ पे आगे पहुँच के, और ये पीछे देख रहा है, जैसे मैंने चलना स्टार्ट किया ना इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया भाई साहब, आई डोंट नो ये क्यों हमारे साथ चल रहा है, शायद इसको ये उम्मीद हो कि हम इसको ऊपर जाके खाना खिलाएं, मे बी, पर यार ये डॉगी के पूरे रास्ते की जानकारी, दैट आई एम श्योर, और ये वेट भी कर रहा है हमारा, भाग के चलते देखते हैं चला गया है रुका, ये देखिए यहाँ पे फिर से रुका हुआ है ना, तो एक्चुअली ये हमारा ट्रैक गाइड बन चुका है खीरगंगा का, चल। तो अगर आप खीरगंगा जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप ज़रूर रुकिएगा, यहाँ पे एक स्टोर भी है, यहाँ से मैं मैगी खरीद रहा हूँ, साथ में चाय और लेंगे हम स्प्राउट्स 50 रुपये का है, मैगी 100 रुपये की, वेज मैगी नॉर्मल 70 रुपये की है, और चाय का देखते हैं रेट क्या है। बाकी खाना एक बार मैगी बन जाए तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ देर रुकेंगे, मैगी वैगी खाएंगे, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, और 4 किलोमीटर यहाँ से रहता है, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30।
तो ये रहा हमारा स्प्राउट्स, आप देख सकते हैं कि चने का साइज़ बड़ा और रिली है, काफ़ी टेस्टी है। 50 रुपीज़ का है, इन्होंने भैया ने पूरा भर के दिया था इस कटोरी में, तो 50 रुपीज़ का स्प्राउट। और अब हम देखते हैं मैगी। तो ये रही हमारी मैगी, वेजिटेबल मैगी है ये, 100 रुपीज़ की। ये चाय 40 रुपीज़। दोस्तों मैगी और चाय दोनों ही काफ़ी यमी हैं और क्वांटिटी भी 100 रुपये में मैगी की अच्छी दी है भैया ने। तो अगर आप भी पहाड़ों वाली मैगी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद हम पहुंचेंगे ICE, जहां पे कि रुद्रनाग वाला रास्ता हमारे इस रास्ते से मिल जाएगा। हमारा रास्ता है वाया कलगा और दूसरा रास्ता होता है वाया नागथन और रुद्रनाग, वो जाके अभी कुछ 1.5 किलोमीटर बाद वो ICE एक पॉइंट है, वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर भी खाने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस वाटरफॉल के सामने जो व्यू है यहाँ पे खाने का अलग ही मज़ा है इस मैगी का। तो दोस्तों यहाँ पे इन भैया के पास ना आलू का पराठा, ब्रेड ऑमलेट, मतलब खाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आलू का पराठा वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर आपको हर्शीज़ का जो आपको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह होता है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल्क शेक से लेकर सारी चीज़ें। और पानी की बॉटल 20 का 40 लिया, ऊपर ये चीज़ें और महंगी होती जाएंगी, तो आप यहाँ से कुछ थोड़ा बड़ा सामान ले लीजिए। फिलहाल और बातें नहीं करता हूँ, सीधा चलता हूँ। इस छोटी सी ब्रिज को आप देख सकते हैं इस साइड, इस ब्रिज को पार करके चलते हैं, इधर हमें चढ़ाई करनी है। और मौसम थोड़ा बारिश का बरा रहा है, तो भगवान से यही दुआ है और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बारिश आने से पहले हम अपना ट्रैक जो है गंगा का वो पूरा कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट मिला है हमें, जहाँ से कि हम सीधे आ रहे थे ना, तो एक सीधा रास्ता ये जा रहा है ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक पतला सा रास्ता जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउन साइड खीर गंगा, शॉर्ट वे खीर गंगा लिखा हुआ है। तो इस बोर्ड को हम फॉलो करने का सोच रहे हैं, सामने बिशान जा चुका है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा था 5 मिनट से, कोई आ जाए तो मैं पूछ लूँ, पर कोई आया नहीं है। बाकी हमारे साथ जो डॉगी जा रहा था ना, वो भी इस रास्ते पे नीचे के साइड ही गया, तो आई थिंक, और सामने मुझे वहाँ पे ना कुछ टेंट वगैरह दिख रहा है, तो मैं इस बोट को ही फॉलो करके इस पतले रास्ते से जा रहा हूँ। अब देखता हूँ आगे क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डाउन साइड शॉर्ट वे टू खीर गंगा। और अभी दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और रियली जो ये रास्ता है ना, दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग, और पूरा ही रास्ता चूँकि अमेजिंग था। और हम आ रहे थे इस रास्ते पे जो है ना, आपने देखा ही कि कलगा वाले रास्ते से हम आए थे, और रास्ता ओवरऑल पूरा अमेजिंग रहा। लास्ट में जो अब 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई बची है, 1:30 बज चुके हैं, लेट्स सी। और नेचर ने हमें बहुत साथ दिया है अभी तक, भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। बारिश होती तो ये रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो जाता। अभी भी साइड साइड में चट्टानों में आप देख सकते हैं कि फिसलन लगी हुई है, तो अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई है और इस वजह से हम आसानी से ट्रैक कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये जो जर्नी का लास्ट लेग है, इसमें जो चढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, और इस आपको चढ़ाई में ना थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। ये देखिए सामने विशांत आ रहा है, काफ़ी स्ट्रगल है। विशांत कैसी है चढ़ाई? बहुत टफ है। तो भाई ये बात तो मैं भी बोलूँगा कि देखो भाई, चढ़ाई इजी नहीं है। खीर गंगा ट्रैक को हाँ हम इजी नहीं कह सकते, पर हाँ कहीं ना कहीं उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। और कहीं कहीं क्या है ना, इसे प्लेन चढ़ाई है और कहीं कहीं तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, और लास्ट लेग में तो आपको ना ज़्यादातर स्टीप चढ़ाई ही मिलने वाली है। तो ये रहा कुछ, शायद हम 5-5.25 घंटे में पहुँच जाएंगे, और पहली बार चूँकि मैं खीर गंगा ट्रैक कर रहा हूँ इसलिए उतना टाइम लग रहा है। शायद इस ट्रैक को जब मैं दोबारा करूँगा या कोई ऐसा ट्रैक मैं फिर से करूँगा तो शायद मैं कम टाइम में चढ़ जाऊँ। तो दोस्तों फाइनली अब हम खीर गंगा टॉप को अप्रोच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ना सारे कैंप्स वगैरह
अब दिखना विजिबल हो गए और हम साफ सामने देख सकते हैं कि सामने प्लेन ज़मीन दिख रही है। बाकी दोस्तों ये जो टॉप का नज़ारा जब देखा ना, सही बता रहा हूँ, जो फील आई ना कि अब ट्रैक हमारा पूरा होने वाला है। इस जो थकान है ना, वो सारी थकान जो है ना, अब लग रहा है कि अब फाइनली मुझे रेस्ट करने को मिलेगा। काफ़ी थकान हो चुकी है यार, ऑलमोस्ट हम 4:30 से भी ऊपर हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे होने वाले हैं हमें। 10 मिनट में 5 घंटे हो जाएंगे और फिर गंगा टॉप यहाँ से सामने साफ विजिबल है। फटाफट मैं जाऊँगा ऊपर, ऊपर जाती मैं कैंप वगैरह देखूँगा, कैंप का क्या बजट है, 1-2 कैंप घूमूंगा, उसके बाद 1 कैंप फाइनल करूँगा, वहाँ पर रहने वहने का इंतज़ाम देखता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी शायद यहाँ पर ना 7 बजे से आती है, वो देख लेते हैं। मोबाइल शाम को ही चार्ज हो पाएगा। और अगर नेटवर्क की बात की जाए, यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मेरे पास एयरटेल का सिम है। खीर गंगा टॉप पे हम पहुँच चुके हैं पर यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। जियो का पता नहीं यार, किसी का जियो का सिम होगा तो फिर पूछूंगा मैं, चल रहा है नहीं चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कैंप्स ही कैंप्स हैं, और कैंप का मैं आपको एक बार टूर करवा दूंगा कि कितने का कैंप है, क्या है। और बाकी आप देख सकते हैं ना, नीचे आपको कई लोग बोलेंगे कि ऊपर 5 कैंप ही है, 2 कैंप ही है, नीचे से बुक कर लो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ऊपर आ जाएं और फिर यहाँ पे आके ना कैंप फाइनल करें। देखिए सामने भी कैंप है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, सारे कैंप्स ही हैं। तो दोस्तों फाइनली हम एकदम टॉप पे पहुंच गए खीरगंगा, जहाँ पे कि मतलब जहाँ पे खीरगंगा धाम है वहाँ पे पहुंच गए। इस साइड में है खीरगंगा धाम और यहाँ पे नहाने का टाइम है 7:00 से शाम के 7:00 तक। और पीछे आप देख सकते हैं ना, इधर सारे कैंप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंप्स हैं। तो कैंप्स की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने पता किया, एक टेंट का तो 600 बोला, एक टेंट का 2 बंदे रुक सकते हैं उसमें, या ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा लोग के लिए भी टेंट मिल जाएगा। हम 2 बंदे थे तो 2 बंदे के हिसाब से तो वो बता रहे हैं 600, थोड़ा मोड़ा उसको बोला कम करने को तो बोला 500 तक कर देगा। बाकी खाने का मेन्यू तो यार यहाँ पे यही है, 250 रुपये, 300 रुपये तक। और टोटल 5 घंटे हमें लगे वाया, हम कलगा आए हैं, 5 घंटे में हम ट्रैक करके पहुँच गए। कैंप का मैंने पता किया तो यहाँ पे जो है ना बिजली 7 से रात के 11 बजे तक आएगी। एक कैंप ऐसा है जिसमें वाईफाई भी है, उसका 100 रुपीज़ पर डिवाइस पर आवर वो लेंगे। और बाकी यहाँ का यही व्यू है दोस्तों। तो फाइनली हमने ना कैंप अपना फाइनल कर लिया है। ये ओम शांति देख रहे हैं ना, सामने में बिल्कुल खीरगंगा का जो हॉट स्प्रिंग है वो बिल्कुल सामने में, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मतलब 100 मीटर होगा, ये रहा खीरगंगा धाम में आपका स्वागत है, यहाँ लिखा है ना ये सामने ब्लू कलर में। और ये रेड रंग का जो ये है टेम्पल, और ये है हमारा कैंप जहाँ पे कि हम रुकने वाले हैं। और कैंप में आपको अंदर से दिखा देता हूँ एक बार। 500 बोला था भैया ने, पर भैया से हमने रिक्वेस्ट किया, मतलब थोड़ा बार्गेन करके ये हमें अब पड़ेगा, ये कैंप अब हमें पड़ने वाला है दोस्तों 400 का, 2 बंदे के लिए बोल रहे हैं। तो टेंट नंबर 2 हमें बोल रहे हैं देने के लिए। टेंट नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा टेंट नंबर 2। इसमें 2-3 तकिया लगे हुए हैं और 4 कंबल हैं शायद, शायद इसमें 4 लोग भी रुक सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों कैंप हमारा, और 400 रुपये 2 बंदों के लिए, हम 2 बंदे ही रुकेंगे इस कैंप में। सामने इसका इनका जो है ना कुर्सी वगैरह लगी हुई है और यहाँ पे बैठ के भी हम खाना वाना खाएंगे। बाकी इनका मेन्यू मैं बता दूं कि अभी मैंने लिया है 2 बटर रोटी, 30 रुपीज़ पीस, और साथ में हमने मंगाया चिली मशरूम जो कि है 260 रुपीज़। तो ये है कुछ यहाँ पे खाना तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा, उतना भी महंगा नहीं है यार। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप खीरगंगा ट्रैक कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको हेल्प करेगी यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।